अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है शनिवार, तो शनिवार को हमारे यहाँ बाज़ार लगता है सब्जी का। तो मेरे हस्बैंड घर से थैला नहीं ले गए थे और बाहर ही बाहर स्कूल से आके बाज़ार किया उन्होंने, तो प्लास्टिक में लेकर आए, तो प्लास्टिक भी फट गई है और आजकल प्लास्टिक कहाँ मिलती है वो। तो इस तरह से आज तो मैं अलग कर रही हूँ प्याज को, और आलू को तो मैं धो कर रखती हूँ क्योंकि आलू में आजकल बहुत मिट्टी लगे होते हैं, तो इसलिए मैं उसको धो कर रखूँगी और प्याज को मैं अलग कर देती हूँ। और इस प्लास्टिक में सब्जियाँ हैं तो मैं सब्जियाँ भी निकाल लूँगी क्योंकि सब्जी वगैरह प्लास्टिक में ख़राब हो जाएंगी। और आजकल ज़्यादा सब्जियाँ पानी से गीली रहती हैं तो सब्जी को निकालना बिल्कुल ज़रूरी है। और आज हमारा ब्लॉग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो मैं यहाँ से धनिया पत्ती निकाल लूँगी और उस पर भी सब्जियाँ हैं तो सब्जियाँ भी अलग कर दूँगी। और तो और उसके बाद मैं बनाऊँगी अंडा भुर्जी, और अंडा भुर्जी बहुत ही सिंपल है बनाने का तरीका, और जब भी घर में सब्जी ना हो तो आप बना सकते हैं। और क्योंकि हमारी सब्जी आज बहुत लेट आई है तो मैंने सब्जी मेरे पास नहीं थी और सब्जी हमारी लेट भी आई है तो मैंने अंडे को उबाल लिया है तो पहले ही से ही, और तो मैं उसी की बनाऊंगी अंडा भुर्जी और रोटी। तो इस तरह से आज मेरा आज का ब्लॉग तो यही है। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो मैं धनिया पत्ती को धोकर सुखाऊंगी अभी, तो उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो इस तरह से हो जाएगा मेरा। और देखिए मैंने अंडे को उबाल लिया है और कढ़ाई में चढ़ा दिया है चूल्हे पर, और मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। और हम लोग अक्सर सरसों का तेल ही यूज करते हैं क्योंकि और सब तेल हमारे घर नहीं आता है, यही आता है सिर्फ सरसों वाला तेल। तो और मेरा प्याज बिल्कुल फ्राई हो गया, अरे सॉरी, मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया था तो मैंने उसमें ऑयल डाल दिया है। और ऑयल मेरा तेल बिल्कुल गर्म हो गया था तो मैंने उसमें प्याज डाल दिया, और प्याज मेरा देखिए हल्का ब्राउन हो, ज़्यादा मैं ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का ब्राउन करूँगी। तो मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने चटनी बनाई थी अदरक लहसुन मिर्ची का, तो वो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और उसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, ऐसे ही मैं बना दूँगी। तो उसको थोड़ी मैं भूनूँगी और उसके बाद जो मसाले होते हैं ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के, जैसे हल्दी, तो जीरा गोल मिर्च का पाउडर, तो ये है जीरा गोल मिर्च का पाउडर, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये है हल्दी पाउडर, ये हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी, डाल दिया है। और उसमें अब इसको चलाऊँगी, और ये बिल्कुल स्पाइसी होता है तो इसलिए मैं इसमें डाल दूँगी मिर्च, और थोड़ी सी मिर्च मैंने हरी मिर्च भी थोड़ा चटनी बनाया था तो पीसा था उसमें, तो इसको मैं ऐसे ही भून लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर को मैं भी थोड़ी देर तक भूनूँगी। और इतना भूनूँगी जब तक मेरा टमाटर पूरी तरह से गल न जाए, तो
तो ये अगर टमाटर मेरा बिल्कुल गल जाएगा अब, क्योंकि मैं बिल्कुल लो फ्लेम कर दूंगी चूल्हे का, तो इस तरह से मेरा टमाटर बिल्कुल गल जाएगा। और टमाटर को गलने के लिए थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी, सॉल्ट। तो टमाटर मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा नमक डालने से, और बिल्कुल मैं लो फ्लेम कर दूंगी चूल्हे का, तो धीमे धीमे आंच पर वो गल जाएगा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आज मैं बनाऊंगी अंडे की भुर्जी, उबली हुई अंडे की भुर्जी। तो देखिए मेरा टमाटर बिल्कुल गल गया है और मसाला भी पिठा बन गया है, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी सारे अंडे, कटे हुए जो अंडे हैं मैंने बारे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने अंडे को काट लिया था, और मैं इसमें डाल दूंगी और डालकर मैं चला दूंगी। थोड़ी देर तक मैं पकाऊंगी, सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट तक पकाऊंगी इसको, क्योंकि मसाला भी मेरा पक गया है और अंडा भी मेरा पका हुआ है। थोड़ी देर तक पकाऊंगी, सिर्फ मसाला अंडे में लग जाए अच्छी तरह से, तो इसको मैं बनाऊंगी, इस तरह से पकाऊंगी। और जो थोड़ा बड़े बड़े पीसेस हैं उसको मैं कट कर रही हूँ कलछी से। और मैंने रोटी बना ली है पहले से ही, और ये मुझे अंडे की भुर्जी बनानी थी। तो और जब ये मेरी बन जाएगी उबली हुई अंडे की भुर्जी, तो इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर दूँगी, तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। हाँ, और बहुत टेस्टी हुआ था, हम लोगों ने खाया था, बहुत ही टेस्टी। आप भी एक बार बना कर ज़रूर देखना। मैंने डाल दिया धनिया पत्ती, और मैं देख रही हूँ नमक कि नमक सही है या नहीं, तो बिल्कुल नमक परफेक्ट था। तो ये मेरा अंडे की भुर्जी बिल्कुल अब तैयार हो गया है खाने के लिए। तो और मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है, तो ये है मेरा आज का डिनर, में यही रहेगा अंडे की भुर्जी रोटी। तो ये मेरा ऐसा दिख रहा है, कितना खूबसूरत। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ये मेरा खाना, लंच डिनर है आज का। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।